जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार कि ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस मैच के दौरान ऋषभ पंत और शिखर धवन ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी उसके बारे में, और साथ ही उन्होंने कैसे धज्जा उड़ा दी अपोजिट टीम की। तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। और वहीं दोस्तों, यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित शर्मा का आया बड़ा बयान सामने, काफी विवादों के बाद विराट कोहली पर दिया ऐसा रिएक्शन। तो दोस्तों, इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। और ये तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि IPL में नई टीमें खरीदने की रेस में सबसे आगे आई भारत की दो बड़ी कंपनियां, नाम जानकर आप भी रह जाओगे दंग। जी हां दोस्तों, जो 10 टीमें इस बार खेलने वाली है IPL में, अब वो जो दो नई टीमें हैं उनको कौन खरीदेगा उनके बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए। और वहीं अगर आप शिखर धवन, ऋषभ पंत को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और वहीं दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और वहीं अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि IPL 2020 के खत्म होने के तुरंत बाद ही भारतीय क्रिकेट टीम के काफी सदस्य ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए रवाना हो गए थे, जहां पर विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय अभियान की शुरुआत करेगी। तो वहीं जैसा कि आपको पता ही है कि 3 मैचों की श्रृंखला 27 नवंबर से शुरू होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। और वहीं जो पहला मुकाबला खेला जाएगा वो वनडे मुकाबला होगा, जिसमें भारतीय टीम अपनी जी जान लगाकर इस सीरीज को जीतना चाहेगी। तो यहां आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया पहुंची भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी बायो बबल के तहत क्वारंटाइन में और सख्त प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, लेकिन भयंकर प्रतिद्वंदिता और कुछ रोमांचक क्रिकेट पर कोई समझौता नहीं होगा, जिसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों की शुरुआत भी हो रही है। तो यह दोस्तों, हम आपको बताएं, जब पिछली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला खेली थी तो मैन इन ब्लू यानी कि टीम इंडिया विजयी हुआ था, और कप्तान कोहली इस प्रदर्शन को दोहराने के लिए उत्सुक होंगे। हालांकि उनके दो भरोसेमंद खिलाड़ी शिखर धवन और ऋषभ पंत प्रैक्टिस मैच के दौरान एक तूफानी पारी खेलते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट पिच पर जो मैच होता है उसके लिए काफी ज्यादा अधिक मांग होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दोनों ही टीमें कितनी ज्यादा मजबूत हैं, तो उनको देखने वाले दर्शक जरूर चाहते हैं कि उनकी टीम जीते। तो ऐसे में भारत को भी अपने इन खिलाड़ियों से काफी ज्यादा उम्मीद है कि पहला वनडे मुकाबला वो जरूर जीतेंगे। तो इसी बीच दोस्तों, शिखर धवन और ऋषभ पंत ने आज मैदान पर प्रैक्टिस की, जिसके चलते आज के इस प्रैक्टिस सेशन में शिखर धवन और ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बता दिया कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच की वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, नेट्स पर कुल मिलाकर 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने जमकर आतिशी बल्लेबाजी की, जहां पर शिखर धवन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 38 गेंदों में ही शतक ठोक डाला, तो वहीं ऋषभ पंत ने अंधाधुंध छक्के बरसा डाले और उन्होंने भी 70 रनों की बेहतरीन पारी खेली। और वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि दोनों ही बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली काफी ज्यादा मैदान पर खुश दिखाई दिए और इस प्रैक्टिस सेशन के बाद उनकी सराहना भी की, क्योंकि अगर पहले मुकाबले में टीम इंडिया को जीतना है तो इन दो बल्लेबाजों का खेलना काफी ज्यादा जरूरी होगा। तो जिसके चलते दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन में तो दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या पहले वनडे मुकाबले में ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को जीत दिलवा पाएंगे या फिर नहीं, और भारतीय टीम जीतेगी या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, IPL में नई टीमें खरीदने की रेस में सबसे आगे हैं भारत की दो बड़ी कंपनियां अडानी और RPSG। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन से कुछ और नई टीमें खेलती हुई दिख सकती हैं, और इस क्रम में गौतम अडानी की मालिकाना हक वाली अडानी ग्रुप और संजीव गोयनका की मालिकाना हक वाली RPSG लीग में अपनी टीमें बनाने की दौड़ में सबसे आगे चल रही है। वहीं IPL में फिलहाल 8 टीमें भाग लेती हैं, तो इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि IPL में 9वीं टीम को शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि अडानी ग्रुप और RPSG की लीग में टीमें अपनी हो सकती हैं, जिसके चलते IPL में अब 10 टीमें खेलती हुई हम सभी को दिखाई दे सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या IPL में 10 टीमें खिलाना BCCI का बिल्कुल सही फैसला है या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि IPL 2020 अभी फिलहाल में खत्म हुआ है, और जिस तरह से IPL 13 खेला गया तो उसके बाद हर कोई उसका दीवाना एक बार फिर से बन गया है, और लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं IPL 2021 का। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएं कि IPL में अब तक 8 टीमें खेलती आई हैं, और ऐसे में BCCI को जो 2020 में नुकसान हुआ इस महामारी की वजह से, उसकी भरपाई करने के लिए वो IPL 2021 में 10 टीमें उतारने का विचार कर
दी है, तो जिसके चलते आईपीएल 2021 के मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होते हुए हम सभी को दिखाई देंगे। और वहीं दोस्तों बात करें इन टीमों के बारे में, तो आप सभी को आईपीएल 2021 में नौवीं टीम गुजरात की टीम दिखाई दे सकती है, और वहीं दोस्तों दसवीं टीम हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की आपको दिखाई दे, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि आईपीएल की जो नौवीं टीम का तो नाम पूरा पक्का है कि वो गुजरात की टीम होने वाली है, क्योंकि वहां पर हम सभी को पता है कि क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम भी मौजूद है। और वहीं बात करें दसवीं टीम की, तो दसवीं टीम उत्तर प्रदेश की फिक्स हो सकती है, क्योंकि वहां पर भी एक स्टेडियम मौजूद है, सभी को कौन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आइए चलिए अब एक एक करके बात करते हैं शुरुआत से ही कि आखिरकार कौन सी टीमों के कौन से कप्तान आप सभी को आईपीएल 2021 में उतरते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहां पर जो पहली टीम निकल कर आती है वो है मुंबई इंडियंस की टीम। दोस्तों हम सभी जानते हैं मुंबई इंडियंस के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा को तो कोई भी फ्रेंचाइजी हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो यहां पर दोस्तों मुंबई इंडियंस के कप्तान तो रोहित शर्मा ही होंगे, जिन्होंने अपनी टीम मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल विजेता बनाया है। तो वही बात करें दूसरी टीम की, जो दोस्तों दूसरी टीम निकल कर आती है वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जैसा कि हम सभी को पता है कि आईपीएल 2020 में शानदार प्रदर्शन करने वाले श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम को फाइनल के मुकाबले तक पहुंचाया था, तो दोस्तों जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान का भी नाम बदलने नहीं वाला है। और यहाँ के अभी तक जो कप्तान थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन साल 2020 में महेंद्र सिंह धोनी का वो जलवा हम सभी को देखने के लिए नहीं मिला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो जिसके चलते दोस्तों अभी खबर ये भी निकल कर आ रही थी कि सीएसके की कमान अगले साल हम सभी को फाफ डुप्लेसी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। तो वही बात करें चौथी टीम की, जो चौथी टीम है वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, जहां पर बैंगलोर की टीम इस बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी और क्वार्टर फाइनल में उन्हें लेकर गए थे विराट कोहली, तो उनका नाम भी नहीं बदला जाएगा और आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ही कप्तानी करेंगे। तो वही बात करें पांचवी टीम की, जो पांचवी टीम है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हां दोस्तों कोलकाता की है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2020 में दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ दी थी केकेआर की टीम ने। तो वही बात करें सातवीं टीम की, जो सातवीं टीम निकल कर आती है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से हम सभी को इस बार ऑक्शन में स्टीव स्मिथ का नाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों फ्रेंचाइजी मेगा ऑक्शन में स्टीव स्मिथ को कप्तानी पद से हटाएगी, क्योंकि पिछले 2 सालों में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है स्टीव स्मिथ की कप्तानी में, और वो भी कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, तो जिसके चलते राजस्थान की टीम यह बड़ा फैसला लेने वाली है। तो वही बात करें आठवीं टीम की, जो आठवीं टीम है वो है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जहां पर हैदराबाद की टीम ने आईपीएल 2020 में डेविड वार्नर की कप्तानी में लीग मैच के फेज 2 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया था, लेकिन डेविड वार्नर का भी नाम यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बदलना नहीं चाह रही है, और अगले साल आप सभी को हैदराबाद के कप्तान भी डेविड वार्नर ही दिखाई देंगे। तो वही बात करें नौवीं टीम की, जो नौवीं टीम होगी वो गुजरात की टीम होगी, तो जिसके चलते गुजरात की टीम के जो कप्तान बन सकते हैं वो होंगे सुरेश रैना। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।